दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ए टूल बॉक्स के बारे में, जो कि लेटेस्ट बॉक्स आया हुआ है। ये MIT का प्रोडक्ट है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ए टूल बॉक्स जो है किस तरह से काम करता है, क्या UFI की तरह काम करता है और क्या इसका प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि UFI बॉक्स में आपको जो मिलता है बॉक्स और ISP पिन आउट सॉकेट, ठीक है। तो UFI बॉक्स में जो ISP पिन आउट सॉकेट है, जिस तरह से आप UFI बॉक्स में ओप्पो A3s को, Realme C1 को, C2 को अनलॉक करते हैं इस ISP पिन आउट सॉकेट के जरिए से मोबाइल में जम्पर करते हैं और UFI बॉक्स में कनेक्ट करके इस सॉकेट को जो है आप जो है उसका FRP रिमूव करते हैं, ठीक है। तो सेम उसी प्रोसेस से आपका ए टूल बॉक्स भी काम करेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, यह है ए टूल बॉक्स MRT का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये MRT का प्रोडक्ट है, MRT ने निकाला है इसे। पहले ए टूल किट के नाम से निकाला था, अभी बॉक्स के नाम से निकाला है और इसके साथ में आपको मिलता है 3 सॉकेट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो ये पैकेज है इसमें ये 2 सॉकेट है, ठीक है, AMC IC बिठाने का, और उसके बाद जो है इसमें एक छोटा सा सॉकेट है ISP पिन आउट करने का, ठीक है। जिस तरह UFI बॉक्स में आप अनलॉक करते हैं ISP पिन आउट जम्पर करके मोबाइल में जम्पर करते हैं बोर्ड में और UFI बॉक्स में अनलॉक करते हैं, उसी तरह से इसमें भी ISP पिन आउट सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें भी आप कनेक्शन करके जो है मोबाइल से जम्पर करके और ए टूल बॉक्स के माध्यम से जो है आप FRP रिमूव कर सकते हैं ओप्पो A3s का, Realme C1, C2 का, ठीक है। तो जिस तरह से आप UFI में काम करेंगे उसी तरह से काम आपको इसमें भी करना है। सेम मतलब आपको USB डाटा केबल से अनलॉक नहीं होगा मोबाइल आपका जो मोबाइल अनलॉक होगा ISP पिन आउट सॉकेट के जरिए से, ठीक है। इसमें ये स्विच दिया हुआ है, ये केबल है कंप्यूटर में लगाने का और इस सॉकेट में आप जम्पर करके मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो काम आप UFI में करना चाहेंगे वो काम आप इसमें भी कर सकते हैं, FRP रिमूव इसमें कर सकते हैं, आप एक टूल बॉक्स में फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, पिन पैटर्न ये सब रिमूव कर सकते हैं। और इंस्टॉल कैसे करना, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए ए टूल बॉक्स का सेटअप आपको पहले डाउनलोड करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा MRT सेटअप GSM और सबसे ऊपर में आपको लिंक मिलेगा GSM फॉर्म का, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे 3.8 का सेटअप मिलेगा आपको ए टूल का, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3.8, जब भी कोई नया वर्जन आएगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ए टूल का कोई भी नया वर्जन आएगा सेटअप तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अभी 3.8 चल रहा है, इसे हमने डाउनलोड कर रखा है पहले से ही। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आपको इसे यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे ए टूल का सेटअप, इस तरह का कुछ कंप्रेसर फाइल आपको मिलेगा, सेटअप मिलेगा, ठीक है। उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक फोल्डर बनेगा ए टूल का इस तरह का, और फोल्डर को जब ओपन करेंगे आप, उसके बाद बॉक्स आपको लगा देना है, ए टूल का बॉक्स लगा देना है कंप्यूटर में और इस सेटअप को आपको ओपन करना है डायरेक्टली मैनुअली। जैसे ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर ID पासवर्ड डालना होगा और आप इस पर लॉगिन करेंगे ए टूल में तभी काम करेगा, ठीक है। तो यूजर ID पासवर्ड आपको ए टूल बॉक्स में मिल जाता है, ए टूल बॉक्स में लिखा हुआ है वो क्या आपका यूजर ID है, क्या पासवर्ड है, वो आपका लिखा हुआ है ए टूल बॉक्स में, वो इसमें उसमें आप यहाँ पर डालेंगे और डाल करके आप जैसे स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूजर ID डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है जो आपके बॉक्स में लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मोबाइल के बोर्ड में ISP पिन आउट सॉकेट से जम्पर करके आप मोबाइल को यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, FRP रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।